फाइनेंस की पढ़ाई शुरू कर दो, अपने बच्चों को फाइनेंस सिखाओ, क्योंकि पैसा कहाँ लगाना चाहिए और कहाँ बचाना चाहिए इसकी जानकारी भी अगर आपके पास होगी ना, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पैसे का यूज कैसे करते हैं, पैसे को खर्च कहाँ करना चाहिए, पैसे को लगाना कहाँ चाहिए। फाइनेंस का एक एग्जांपल देता हूँ भाई, आपने बड़ी मेहनत से लाख रुपए महीने की सैलरी आपकी है, आपने 5 साल मेहनत करके 50 लाख रुपए इकट्ठा किए, क्या वो 50 लाख रुपए आपके साथ एक साथ आ गए? 1 लाख आपके खर्चे भी, 1 लाख मेहनत आपको बचता नहीं, फिर भी आपने क्या करा, 25 लाख रुपए इकट्ठे किए। आपने क्या करा पता है, एक बड़े प्रॉपर्टी वाले के पास आप गए, मुझे प्लॉट चाहिए, जो प्लॉट की कीमत 600 रुपए थी, आपने प्लॉट वाले ने बोला कि आपको 1000 रुपए स्क्वायर फीट का रेट है, 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है 10 लाख रुपए का, आपने 4 लाख रुपए उसको 1 मिनट में ट्रांसफर किया। आपको नहीं पता कि जो आपने 5 साल में 25 लाख इकट्ठा किया, वो 1 साल में 1 मिनट में एक व्यक्ति आपके जेब की सारी कमाई लेकर के चले। तो इसके लिए पैसा कहाँ लगाना चाहिए ना, उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। पैसा कहाँ से आएगा वो तो बहुत अच्छी बात है, पर कहाँ लगाना है वो ज्ञान है आपके पास? अगर वो ज्ञान नहीं है तो अभी आप पहले बिजनेस में मत आओ, पहले अपने घर के फाइनेंस को सुधारो, पहले घर के अंदर जो गलतियाँ हो रही है उसको सुधारो। देखो गलती आप सुधारने जाओगे ना, आपको ऑटोमेटिक फाइनेंस याद हो जाएगा।